बंगाल के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरे देश के डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा है और अपनी सुरक्षा को लेकर वे चिंतित हैं। डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है और कड़े कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच बंगाल की सरकार ने इस मामले में जिस तरह से आरोपियों को बचाने की कोशिश की, उसके खिलाफ भी देश के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है, लेकिन ममता है कि मानने को तैयार नहीं। ममता की पार्टी की महिला सांसदों ने भी इस मामले पर बेशर्मी भरी चुप्पी साध रखी है, जिसके बाद उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि ममता बनर्जी और उनके सांसदों जैसे कि महुआ मोइत्रा को वही लोग ट्रोल कर रहे हैं जो उन्हें कभी झांसी की रानी बताया करते थे। महुआ इस मामले पर सवाल पूछने वालों को एक्स पर ब्लॉक कर रही है, इसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब इस मामले में तो ममता की पार्टी में भी बगावत होती दिख रही है। ममता के इस रवैये के खिलाफ उनकी पार्टी के नेता भी उनका साथ छोड़ते दिख रहे हैं। हाईकोर्ट की फटकार के बाद इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और वो ममता की मिलीभगत को एक्सपोज भी करेगी। लेकिन इस मामले में राज्य में ममता के खिलाफ माहौल बना दिया है। वही तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने भी ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि वो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ 14 अगस्त 2024 को आधी रात में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। वरिष्ठ नेता ने एक्स पर टिप्पणी करते हुए लिखा, मैं प्रदर्शनकारियों में शामिल होने जा रहा हूँ, खास तौर पर इसलिए क्योंकि लाखों बंगाली परिवारों की तरह मेरी भी एक बेटी और छोटी पोती है। हमें इस अवसर पर उठ खड़ा होना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ क्रूरता बहुत हो गई है, आइए हम सब मिलकर इसका विरोध करें, चाहे कुछ भी हो जाए। जब एक एक्स यूजर ने लिखा कि वरिष्ठ नेता को अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से तृणमूल कांग्रेस से बाहर किया जा सकता है, तो उन्हें इस पर जवाब देते हुए लिखा, कृपया मेरे भाग्य की चिंता न करें, मेरी रगों में एक स्वतंत्रता सेनानी का खून बहता है, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। आपको बता दें कि 75 साल के सुखेंदु शेखर 2011 से ही संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं और वो सदन में तृणमूल कांग्रेस के उपनेता भी रह चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि कोलकाता और बंगाल के दूसरे हिस्सों में महिलाएं आज देर रात सड़कों पर उतरेंगी और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगी। रात 11:55 पर यह प्रदर्शन शुरू होगा। सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन को लेकर खूब पोस्ट हो रही है। इसी प्रदर्शन में शामिल होने की बात सुखेंदु शेखर ने की है। महिलाओं के इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में पुरुष भी शामिल होने वाले हैं, ताकि इस मुद्दे पर वो महिलाओं के साथ अपनी एकजुटता दिखा सके। अभिनेत्री स्वस्तिका मुखर्जी, अभिनेत्री चूर्णी गांगुली और फिल्म निर्माता प्रतीम डी गुप्ता सहित कई प्रमुख हस्तियों ने अपने लिए सबसे सुविधाजनक स्थानों पर मध्य रात्रि में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। जाहिर है कि इस मामले ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है और उनकी बेशर्मी को उजागर कर दिया है। जी, मेरा नाम डॉक्टर आकाश फिजौलिया है। अब सर, हमारा प्रदर्शन अभी इसलिए जारी है क्योंकि हमें हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ठोस टाइमलाइन नहीं मिली है कि वो कब तक सीपीए एक्ट को ड्राफ्ट कर यहाँ पर टेबल कर देंगे हाउसेस में। तो सर, बस अभी तक उन्होंने कोशिश करी है इस बात को टालने की, बोलने की। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि वो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने का, वेक प्रोमिसज हैं। सर, पॉलिटिक्स में वेक प्रोमिसज की कोई वैल्यू नहीं होती। जब तक वो रिटर्न में हमें डेडलाइन ना बताएं कि तब तक ये वो टेबल कर देंगे। सर, डॉक्टर्स अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो जब काम कर रहे हैं वो सेफ फील करें, कोई भी आके उनको ना धमकी दे, कोई भी आके उनको थप्पड़ ना मार दे, कोई भी आके उनके जान से मारने की धमकी ना दे। सर, हम इस डिसीजन का वेलकम करते हैं कि जो हाई कोर्ट ने जो ये मामला है सीबीआई को दिया है, ये हमारी पहली जीत है इस लड़ाई की कि सीबीआई अब टेक ओवर करेगी। बट सर, ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई। हमने कल भी फुटेजेस देखे थे कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का, वो एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, वो फिर से रिनोवेट कर रहा है सेमिनार होम को। कहीं ना कहीं किसी को बताने की, किसी कुछ छुपाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है सर, हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा। जी सर, हमारा ये भी मांग है कि हॉस्पिटल प्रशासन, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक वहाँ से उन्हें हटा दिया जाए, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन या एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ ना करें। जिस राज्य में ये घटना हुआ है वहाँ की चीफ मिनिस्टर खुद एक महिला है। जब उस राज्य में महिला का सेफ्टी नहीं है तो बाकी राज्य का क्या कहना है।
और जब भी कोई इंसिडेंट होता है इस तरह का तो उसको आगे लाके कल्प्रिट को सजा देने के बदले पहले उस लड़की के माँ बाप को बोला गया कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली। जब वहीं से जब सब कुछ गलत गलत हो रहा है तो वहाँ पे न्याय का आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और सबसे बड़ा, एक लेडी डॉक्टर अपने वर्किंग प्लेस पर अगर सेफ्टी नहीं है, आजकल लड़की लोग सब जगह आगे बढ़ रही है, उन लोग का नाइट ड्यूटीज लगता है, तो हम लोग PMCH में भी चाह रहे हैं कि यहाँ एक कंट्रोल रूम हो, जहाँ पे कंट्रोल रूम हो जहाँ और कुछ कुछ इमरजेंसी नंबर्स प्रोवाइडेड हो कि अगर लड़की को लग रहा है वो अनसेफ है तो वहाँ कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। रात बिरात में सब कोई काम कर रहा है, सेफ्टी वर्किंग प्लेस में अगर लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है और इसके अगेंस्ट तो प्रोटेस्ट होना ही चाहिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमें, जब हमारे कॉलेज में हमारी सेफ्टी नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देश में हमारी सेफ्टी होगी। हम जब दूसरे की जान बचा रहे हैं तो हमें भी अपनी जान की रक्षा होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर जगह CCTV कैमरा और उस कल्प्रिट को पकड़ के पूरी दुनिया के सामने सब लाइव उसकी डेथ करनी चाहिए ताकि अगली बार से कोई ऐसा काम ना कर सके। जो भी कल्प्रिट है उसको जल्दी से जल्दी सजा दिया जाए, क्योंकि अगर हम सेफ नहीं है तो हम दूसरे को कैसे सेफ कर सकते हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी हत्यारों को फांसी दें। बहुत बुरा हुआ है और हम सबको अनसेफ फील होता है जब हम लोग नाइट ड्यूटी पे जाते हैं, तो इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज़। VK न्यूज़, राष्ट्र के नाम।